नमस्कार दोस्तों, आज 1 जून की 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण खबरें हैं। सबसे बड़ी अपडेट है लखनऊ खंडपीठ से। लखनऊ खंडपीठ में काउंसलिंग प्रक्रिया को लेकर, यानी कि जो संशोधित उत्तर कुंजी है उसको लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण आज सुनवाई होनी है। साथ में जिला आवंटन सूची कितने बजे जारी होगी, इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सभी अभ्यर्थी कहाँ पर ठहरेंगे, क्या चीज़ें होंगी, दिव्यांगों के आरक्षण को लेकर यहाँ पर आज आदेश किया गया, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो फटाफट वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले यहाँ पर अपडेट देखेंगे, शिक्षक भर्ती जिला आवंटन आज होगा। 69,000 शिक्षक की भर्ती के लिए जिला आवंटन सोमवार को दोपहर बाद जारी किया जाएगा। हम आपको यहाँ पर बता दें कि जिला आवंटन को जो सूची है सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच में बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। फिर वहाँ पर सभी अभ्यर्थी जिला आवंटन सूची देख पाएंगे, जहाँ पर उनका रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और किस जिले में उन्हें काउंसलिंग करवानी है, कहाँ पर उन्हें नियुक्ति पत्र मिलेगी, उस जिले का नाम विस्तार से दिया होगा। साथ में यहाँ पर बता दें, आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 2 दिन बढ़ाने के कारण ही 31 मई को जिला आवंटन सूची नहीं जारी हुई, इसलिए आज 1 जून को जिला आवंटन सूची जारी होगी। बहुत सारे दिव्यांग अभ्यर्थियों को यह भ्रम है कि उन्हें 4% का आरक्षण मिलेगा, तो बेसिक शिक्षा परिषद ने साफ कर दिया है कि केवल 3% ही आरक्षण सभी अभ्यर्थियों को यहाँ पर दिया जाएगा। सूत्रों का ये कहना है, यहाँ पर फिलहाल ये अपडेट किया गया है। साथ में यहाँ पर अपडेट किया गया है कि जिला आवंटन लिस्ट में गुणांक और कैटेगरी जारी करने की लगातार मांग की गई है, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि 68,500 में भी जो गुणांक है और कैटेगरी नहीं शो कर रही थी। साथ में BTC बैक पेपर, फिर उन्होंने जिन्होंने CTT December 2018 में क्वालिफाई किया, ऐसे अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं कि जो प्रमाण पत्र है वो 20 December 2018 के बाद वाले भी वैलिड हों। फिलहाल शासन पे इस पर साफ तौर पर कह दिया है कि 20 December 2018 के पहले के ही प्रमाण पत्र केवल वैलिड होंगे, अन्यथा की स्थिति में नहीं होंगे। यहाँ पर 136,621 अभ्यर्थी पास हुए हैं, जिनमें से 69,000 अभ्यर्थियों की आज मेरिट लिस्ट दोपहर बाद सभी अभ्यर्थी देख सकते हैं। इसी तरह की जो अपडेट है अन्य समाचार पत्रों में भी विस्तार से यहाँ पर बताई गई है, आप देख सकते हैं। सबसे यहाँ पर जो बड़ी अपडेट है कि पहुँच तो जाएंगे अभ्यर्थी, लेकिन कहाँ पर ठहरेंगे, तो यहाँ पर सबों को जो अन्य जिले में जाएंगे उनको परेशान होने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज से सभी बस सेवाएँ, टैक्सी वगैरह सब शुरू हो गई हैं। सभी अपने साधन से या सरकारी अन्य साधनों से भी जा सकते हैं। सबसे बड़ी आज की अपडेट है लखनऊ खंडपीठ में सुबह 10:30 बजे से 14 नंबर पर जो जिला उत्तर कुंजी की जो सुनवाई है वो होने, ये सुनवाई बहुत ही महत्वपूर्ण है इस भर्ती प्रक्रिया के लिए। इसमें जो आदेश आज आएगा, फिलहाल ये ऑर्डर अपलोड हो जाएगा इसका आज, ये इसमें अगर कुछ उलट फेर होता है तो भर्ती प्रक्रिया पर प्रभाव जरूर पड़ेगा।